नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू स्विफ्ट की एक और नई वीडियो। दोस्तों आज हम इस गाड़ी को पूरा डुअल टोन रैप करने वाले हैं ब्लैक कलर से, और इसको डुअल टोन बनाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि रूफ पर रैप को कैसे चढ़ाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने रैप की कटिंग कर ली है रूप के हिसाब से दोस्तों, और दो दो इंच तीन तीन इंच मैंने इसको एक्स्ट्रा ही काटा है ताकि चढ़ाने में आसानी हो। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पूरा बंडल रखा हुआ है रैप का, और ये थ्री लेयर रैप है दोस्तों। इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन फिल्म भी चढ़ी रहती है ताकि इसमें स्क्रैच वगैरह ना आए, और इसको बाद में निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले हमको रूप को अच्छे से क्लीन करना रहता है दोस्तों, इसमें कोई भी डस्ट वगैरह नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो रूफ में दाने आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और पीछे साइड से रैप को लगाना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने रैप को पूरा निकाल दिया है, और अब मैं इसकी प्रोटेक्शन फिल्म भी निकाल दूंगा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ दोस्तों इस तरीके से इसकी जो सलबट पड़ी रहती हैं, इसमें जो सल पड़ जाती हैं उनको निकाला जाता है, और चारों तरफ से इसी तरीके से सल को ख़त्म किया जाता है, और फिर ये रैप हमारी गाड़ी में परफेक्टली लग जाता है। और स्क्रूजी की हेल्प से आप इसकी सल निकाल सकते हैं। आप चाहें तो हीट गन का उपयोग कर सकते हैं या ड्रायर का उपयोग कर सकते हैं, और अगर आप इसको धूप में चढ़ाएंगे तो ये बहुत आसानी से चढ़ जाएगा आपकी गाड़ी में। तो ये आप देख सकते हैं, अब मैं दूसरी साइड की भी जो सल हैं उनको निकाल रहा हूँ कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और ये आप घर पर भी अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा रूफ पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी हमने इसकी जो बॉर्डर हैं उन पे कटिंग नहीं की है, बाकी आप देख सकते हैं रैप पूरा हो चुका है। और यहाँ पर हमने ये ऊपर वाला जो पैनल है उसको भी रैप कर दिया है, और अभी जो इसकी प्लास्टिक की पट्टियां हैं वो अभी हमने नहीं लगाई हैं, और बॉर्डर वगैरह अभी काटी नहीं है दोस्तों। तो बॉर्डर को काट के अच्छे से अंदर दबा दिया जाता है, और इस साइड भी अब हम ये रैप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा पैनल भी हमने रैप किया है। इसमें दोस्तों नई शिफ्ट में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि कंपनी से ही बहुत सारी पैनल और जो पिलर हैं वो ब्लैक आते हैं, तो आपको रैप भी ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो अब ये हमारी यहाँ पर गाड़ी फुल कंप्लीट हो चुकी है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ये अब डुअल टोन बन चुकी है, अभी इसके ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट जम चुकी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ रोड पे बहुत ज़्यादा धूल हो रही है। तो अभी ये गाड़ी वॉशिंग के लिए जाएगी, बाकी मैं आपको अभी थोड़ा साफ़ करके भी दिखा देता हूँ, तो कपड़ा मार के आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से शाइनिंग इस रैप में है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों शाइनिंग, जबकि अभी इसके ऊपर बहुत सारी धूल जम गई है, क्योंकि गाड़ी बहुत देर से खड़ी थी यहाँ पर, और ये रोड चलता भी बहुत है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए